हेलो दोस्तों आज समय आप सभी के लिए बीएससी एमएससी बॉटनी से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंजाई स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम फनजाई से जुड़े हुए इसके डिस्कवरी स्ट्रक्चर और इसके थैलस के ऑर्गेनाइजेशन माइसिलियम के मॉडिफिकेशन और इसके साथ साथ मूड ऑफ न्यूट्रीशन के बारे में डिस्कस करेंगे यानी कि आज के इस वीडियो में हम फनजाई से जुड़े हुए जितने भी फंजाई के जनरल कैरेक्टर हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे तो कुल मिलाकर आप के लिए आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइकोलॉजी की द वर्ड माइकोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड माइक्स एंड लॉगस तो जो माइकोलॉजी है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है माइक्स और लॉगस तो माइक्स का मतलब होता है फंगस और लॉगस का मतलब होता है स्टडी तो इस आधार पर हम माइकोलॉजी की जो डिफिनीशन है कुछ इस तरह से दे सकते हैं माइकोलॉजी डिफाइन इज ए ब्रांच ऑफ़ बायोलॉजी विच डील विथ स्टडी ऑफ फंजाई यानी कि माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फंजाई के बारे में पढ़ते हैं द टर्म फंगस वाज यूज बाई गैसपर्ट बाउविन तो फंजाई शब्द सबसे पहले गैसपर्ट बाउविन ने यूज़ किया था सो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट टॉपिक आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ फंजाई तो यदि हम बात करें डिस्कवरी ऑफ फंजाई की ई एम फ्राइस इन 1794 फोर टू एटीन सेवेंटी एट ही रोट ए बुक सिस्टमा माइकोलॉजिकम इन थ्री वॉल्यूम सो दैट ई एम फ्राइस इज कॉल्ड फादर ऑफ़ सिस्टमैटिक माइकोलॉजी तो ई एम फ्राइस ने सबसे पहले माइकोलॉजी पर बुक लिखी थी सिस्टमा माइकोलॉजिकम जो कि थ्री वॉल्यूम में थी इसलिए इन्हें फादर ऑफ सिस्टमैटिक माइकोलॉजी यानी कि कवक विज्ञान के वर्गीकरण का जनक कहा जाता है एंटोनियो मेकेली ऑब्जर्व फंगल स्पोर फॉर फर्स्ट टाइम एंड कंडक्ट मेनी स्पोर जर्मिनेशन स्टडी इन 1729। 1729 में एंटोनियो मेकेली ने सबसे पहले फंगल स्पोर को ऑब्जर्व किया और उसके जर्मिनेशन के बारे में अध्ययन किया ही पब्लिश्ड ए बुक नोवा प्लेटेरियम जेनरा इन विच ही गेव डिस्क्रिप्सन अबाउट 1900 हंड्रेड स्पीसीज इन लेटिन आउट ऑफ विच नाइनटी हंड्रेड वेयर फंजाई तो इन्होंने सबसे पहले अपनी बुक पब्लिश की नोवा प्लेटेरम जनरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नोवा प्लेंटेरम जनरा किसने पब्लिश किया था तो याद रखेगा एंटोनियो मिकैली ने तो इस बुक में उन्होंने सबसे पहले 1900 स्पीशीज के बारे में लैटिन वर्ड में डिस्क्राइब किया जिसमें से नाइन हंड्रेड स्पीसीज़ फंजाई के थे मिकैली इज़ आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ़ माइकोलॉजी तो याद रखिएगा कि फ़ादर ऑफ़ माइकोलॉजी किसे कहा जाता है तो मिकैली को कहा जाता है वही हम बात करें एच ए डिबेरी की तो इन्हें फादर ऑफ़ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है तो यहाँ पर आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि फ़ादर ऑफ़ माइकोलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ माइकोलॉजी है मिकैली वही हम बात करें फादर ऑफ़ मॉडर्न माइकोलॉजी की तो वहाँ पर आपका आंसर होगा डिवेरी वहीं हम बात करें ईजे बटलर की तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है तो ये तो बात हुई डिस्कवरी ऑफ फनजाई के बारे में तो आइए चलते हैं फनजाई से जुड़े हुए नेक्स्ट टॉपिक की ओर और नेक्स्ट टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई तो सबसे पहला पॉइंट है फनजाई आर द यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज तो यदि हम बात करें फनजाई की तो फनजाई यू कैरेटिक कोशिका वाले जीव होते हैं और यदि आपने यू कोशिका पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यू कोशिकाओं में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वेल डेवलप होते हैं यानी कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं तो फंजाई वेल डेवलप ऑर्गेनिज़्म होते हैं इसलिए इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है इन्हें एक अलग ही ग्रुप में रखा गया है अगर हम बात करें कुछ वेल नोन फंजाई की तो मशरूम ईस्ट मोल्ड कुछ ऐसे फंजाई हैं जो कि बहुत ही फेमस है और आप सभी ने इनका नाम सुना हुआ होगा सम फंजाई आर एडिबल वाइल अदर आर पॉइजनस तो कुछ ऐसे फंजाई है जिनको खाया जा सकता है यानी कि वो एडिबल होते हैं परंतु कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि जहरीले होते हैं जैसे अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो मशरूम एडिबल है लेकिन कुछ ऐसे भी मशरूम होते हैं जो कि जहरीले होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ऐमानिता की देर आर थ्री टू फोर मिलियन स्पीसीज ऑफ़ फनजाई इन विच लेस देन वन लैक फिफ्टी थाउजेंड हैीन क्लासीफाइड एंड स्टडीड तो फंजाई की लगभग तीन से चार मिलियन जातियां ज्ञात हैं जिनमें से लगभग एक लाख पचास हज़ार जातियों के बारे में बताया गया है उनका अध्ययन किया गया है और उनको क्लासिफाई किया गया है स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि फंगस के अध्ययन को हम बोलते हैं माइकोलॉजी माइकोलॉजिस्ट आर बायोलॉजिस्ट स्टडी फनजाई और फंजाई का अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं थैलस स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई यानी कि फंजाई के थैलस के स्ट्रक्चर के बारे में द प्लांट बॉडी ऑफ ट्रू फंजाई इज ए थैलस तो जो ट्रू फंजाई होते हैं उनकी प्लांट बॉडी थैलस होती है तो इसका मतलब क्या हुआ आप समझ लीजिए थैलस का मतलब ये हुआ आपने अगर पढ़ा होगा जो फंजाई होते हैं इन्हें थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया और थैलोफाइटा में ऐसे प्लांट आते हैं जिनमें ट्रू रूट स्टेम और लीप का अभाव होता है इस तरह हम कह सकते हैं जो फंजाई होते हैं फंजाई में वास्तविक जड़ तना और पत्ती यानी कि ट्रू रूट स्टेम और लीप का अभाव होता है इसलिए फंजाई के प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं इट में भी नॉन माइसीलियल और माइसीलियल तो फंजाई की जो प्लांट तो बॉडी तो तो होती, होती है वो दो तरह की होती है एक होती है माइसीलियल और दूसरा होता है नॉन माइसिलियल तो नॉन माइसीलियल जो फंजाई होते हैं वो प्राय यूनिसेलुलर होते हैं यदि हम बात करें यूनीलुलर फंजाई के एग्ज़ाम्पल की तो ईस्ट इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है तो फंजाई की जो प्लांट बॉडी होती है यानी कि जो थैलस होती है वो दो तरह की होती है एक होती है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है फिलामेंटस और फिलामेंटस प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं हाइफी तो आइए सबसे पहले हम जाने कि हाइफी होता क्या है द प्लांट बॉडी ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफी तो धागे नुमा संरचना को हम हाइफी कहते हैं जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि आपको यह धागे नुमा संरचनाएँ दिख रही हैं जिन्हें हम हाइफी कहते हैं एंड हाइफी फॉर्म ए नेट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइसिलियम और ये सभी हाइफी आपस में मिलकर एक जाल की तरह संरचना बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं माइसिलियम तो हाइफी के जाल से जो संरचना बनती है वही संरचना कहलाती है माइसिलियम तो एक तरह से हम कह सकते हैं माइसिलियम का निर्माण होता है हाइफी से तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो फंजाई होते हैं उनकी प्लांट बॉडी थैलस नुमा होती है यानी कि ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं पाए जाते हैं और इनकी जो थैलस बॉडी होती है वो दो तरह की होती है एक होती है यूनिसुलर और दूसरी होती है फिलामेंटस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम हाइफ़ी कहते हैं और हाइफी के जाल को हम बोलते हैं माइसीलियम फंजाई आर एबल टू एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट्स विथ हाइफी और इन्हीं हाइफी के थ्रू जो फंजाई होते हैं अपना पोषक तत्व तो एब्जॉर्ब करते हैं तो नेक्स्ट तो हम देखते हैं कि माइसीलियम कितने टाइप के होते हैं तो माइसीलियम टू टाइप के होते हैं सेप्टेट एंड ए सेप्टेट ए सेप्टेट माइसीलियम को हम नॉन सेप्टेट भी कहते हैं तो जैसा कि फिगर में आप राइट right साइड देख सकते हैं कि जो माइसीलियम है उसमें आपको बीच में सेप्टा दिखाई दे रही होगी यानी कि क्रॉस वॉल दिखाई दे रही होगी और जिन माइसीलियम में क्रॉस वॉल होता है ऐसे माइसीलियम को हम बोलते हैं सेप्टेट तो इस तरह के जो हाइफी होते हैं या माइसीलियम होते हैं सेप्टा की वजह से वो एक तरह से एक कोशिका का निर्माण करते हैं तो आप फिगर में देख सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे जैसे सेप्टा पाई जा रही है वो लग रहा है कि वो एक एक कोशिकाएँ हैं जबकि अगर हम बात करें ए सेप्टेट की तो एसेप्टेट माइसिलियम में कहीं भी आपको क्रॉस वॉल यानी सेप्टा दिखाई नहीं देगी इस कारण इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक ही कोशिका में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इस तरह के माइसीलियम को हम सिनोसिटिक माइसीलियम भी कहते हैं तो याद रखिएगा सिनोसिटिक माइसिलियम का मतलब क्या होता है कि इनमें क्रॉस वॉल नहीं पाई जाती यानी कि इस तरह के जो माइसीलियम होते हैं वो ए सेप्टेट होते हैं तो सेप्टेट माइसीलियम जनरली लोअर फंजाई में पाए जाते हैं जैसे कि फाइकोमाइसिटीज़ और वहीं हम बात करें जो सेप्टेट माइसीलियम होते हैं वो जनरली जो हायर फंजाई होते हैं उनमें पाए जाते हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़ बेसिडियोमाइसिटीज़ डिटेरोमाइसीटिस इन सभी में सेप्टेट हाइपी या माइसीलियम पाए जाते हैं इन सम फनजाई द बॉडी इज़ डाइमार्फिक तो कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनमें कि उनकी बॉडी दो रूपों में पाई जाती है यानी कि उनमें सेप्टेट और एसेप्टेट दोनों तरह के माइसीलियम पाए जाते हैं आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर और।, और अगला टॉपिक है माइसिलियम फॉर्म ऑफ फंजाई यानी कि फंजाई का जो माइसिलियम है वो अलग अलग किन रूपों में पाया जाता है यानी कि उसके अलग अलग रूप को हम क्या कहते हैं तो माइसिलियम का जो फर्स्ट फॉर्म है वो है प्लेक्टेन टाइमा माइसिलियम आर इनटू लूजली और कंपैक्टली ओवन स्ट्रक्चर तो जब माइसीियम आपस में एक दूसरे से टाइटली या फिर लूजली जुड़े होते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्लेक्टिन काइमा तो यहाँ पर वोवन का मतलब है बुनावा अब बात करें हम प्लेक्टिन काइमा के टाइप की तो प्लेक्टिन काइमा टू टाइप के होते हैं प्रोजन काइमा और सीडो पैरन तो प्रोजन काइमा की बात करें तो प्रोजन कैमा में जो माइसीलियम होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और पैरलर होते हैं जबकि सीडो में क्या होता है इसमें जो माइसीलियम होते हैं वो क्लोजली इंटरवोवन होते हैं और यदि हम इनका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये हमें पैरन की तरह दिखाई देते हैं तो प्रोजन में माइसीलियम लूजली पैक्ड होते हैं जबकि सीडो में ये क्लोजली पैक्ड होते हैं प्रोजन में ये पैरली अरेंज होते हैं जबकि सीडो में ये क्लोजली इंटरवोवन होते हैं आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइसीलियम के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर की जैसा कि पहला है राइजोमार्फ इट इज़ ए रूट लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोजली पैक्ड एंड इंटरवोवन हाइफी तो जब हाइफी क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं और लंबी संरचना रस्सी की भांति बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं राइजोमार्फ सेकेंड स्पेशल स्ट्रक्चर है स्क्लेरोटिया एक्सटर्नल हाइफी बिकमिंग थिक्ड टू सेव द इनर वन तो ऐसे हाइफी जो कि बाहर की ओर होते हैं और अपने चारों तरफ एक थिक लेयर बनाते हैं ताकि अंदर के हाइफ़ी को प्रोटेक्ट कर सकें ऐसे हाइफी को हम बोलते हैं स्क्लेरोटिया है। बढ़ते हैं थर्ड स्पेशल स्ट्रक्चर की ओर जो कि है स्ट्रोमा इट इज़ थिक मैट्रिसेस ऑफ कॉम्पैक्ट हाइफी एसोसिएटेड विद द फ्रूटिंग बॉडीज़ तो स्ट्रोमा एक मोटी चटाई नुमा हाइफी होती है जो कि जनरली फ्रूटिंग बॉडी से जुड़ा होता है तो फ्रूटिंग बॉडी जनरली आपको देखने को मिलेगा एगेरिकस यानी कि मशरूम में तो जब हम एगेरिकस पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बॉन्ड को डिस्कस करेंगे तो एगेरिकस से रिलेटेड मैंने वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखे हैं आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं तो फनजाइज से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है चाहे रिप्रोडक्शन हो चाहे मूड ऑफ न्यूट्रिशन हो चाहे क्लासिफिकेशन हो हर एक टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और हमारा अगला टॉपिक है सेल कंपोजिशन द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज़ मेनली मेड अप ऑफ काइटिन एंड सेलुलोज तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो फनजाई होते हैं इनका जो सेलवाल होता है वो मुख्य रूप से काइटीन का बना होता है और कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनमें कि जो सेलवाल होती है वो काइटीन और सेलुलोज दोनों की बनी होती है और आपको पता होगा कि जो हायर प्लांट है उनकी सेलवॉल बनी होती है सेलुलोज़ की तो यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो फंजाई होते हैं उनकी सेलवॉल जनरली किसकी बनी होती है काइटीन की बनी होती है वही हम बात करें फंगस में स्टोर फूड मटेरियल की यानी कि रिज़र्व फूड मटेरियल की तो इनमें रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन पाया जाता है जबकि हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई यानी कि फंजाई में पोषण किस प्रकार से होता है तो हम सभी जानते हैं द फंजाई आर ए क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म जो फंजाई होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और क्लोरोफिल न पाए जाने की वजह से ये हेट्रोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं वहीं बात करें हम इनके हेट्रोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन की तो ये दो तरह के होते हैं पैरासाइट और सेप्रोफाइट इसके अलावा ये कभी कभी सिम्बियाटिक रूप में भी पाए जाते हैं तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पैरासाइट फंजाई की तो हम सभी जानते हैं जो पैरासाइट फनजाई होते हैं या फिर कोई भी पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होता है वो हमेशा अपना फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है और जिससे वो न्यूट्रिशन लेता है उसे हम बोलते हैं होस्ट दे ऑप्टेन देयर फूड, फूड फ्रॉम ए लिविंग होस्ट ए पैरासाइट मे बी ऑब्लीगेट और, और फैकल्टेटिव तो पैरासाइट भी दो तरह के होते हैं एक होता है ऑब्लीगेट और दूसरा होता है फैकल्टेटिव वहीं हम बात करें ऑब्लीगेट पैरासाइट की तो ये अपना फूड हमेशा लिविंग होस्ट से ही लेते हैं अगर उनका लिविंग होस्ट खत्म होता है तो उसके साथ साथ ये भी खत्म हो जाते हैं वहीं हम बात करें फैकल्टेटिव पैरासाइट की तो फैकल्टेटिव पैरासाइट वे पैरासाइट होते हैं जो प्रारंभ में सेप्रोफाइट की तरह मूड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं यानी कि ये डेड मटेरियल से फूड लेते हैं लेकिन जब वो डेड मटेरियल ख़त्म होता है तो ये पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं तो जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं इनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने दूसरे होस्ट पे जा सकते हैं बट जो ऑब्लिकेट पैरासाइट होते हैं इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब उनका जो होस्ट है वो ख़त्म होता है तो उसके साथ साथ ये भी खत्म होते हैं वही बात करें हम सेप्रोफाइट फनजाई की तो जो सेप्रोफाइट फनजाई होते हैं ये अपना फूड डेड मटेरियल या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं सेप्रोफाइट फंजाई भी टू टाइप के होते हैं ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव वहीं हम बात करें ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट की तो ये डेड मटेरियल से फूड लेंगे अगर वो डेड मटेरियल ख़त्म होते हैं तो उसके साथ साथ ये भी ख़त्म हो जाते हैं यानी कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता वहीं हम बात करें फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट की तो जो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट होते हैं वो स्टार्टिंग में पैरासाइट होते हैं यानी कि लिविंग ऑर्गेनि से फूड लेते हैं और यदि वो लिविंग ऑर्गेनिज डेड हो जाता है तो वो सेप्रोफाइट की तरह बिहेव करने लगते हैं यानी कि सेकेंडली ये सेप्रोफाइट हो जाते हैं तो जितने भी फैकल्टेटिव होते हैं चाहे वो सेप्रोफाइट हो या फिर पैरासाइट हो उनके पास ऑप्शन होते हैं तो फैकल्टेटिव जो सेप्रोफाइट होते हैं स्टार्टिंग में पैरासाइट होते हैं जब उनका होस्ट खत्म होता है यानी कि डेड हो जाता है तो ये डेड मटेरियल से जैसे न्यूट्रिशन लिया जाता है यानी कि सेप्रोफिटी की तरह बिहेव करने लगते हैं तो ये था इनका मूड ऑफ न्यूट्रिशन तो पहला हम लोगों ने देखा था पैरासाइट और दूसरा हम लोगों ने देखा सेप्रोफाइट पैरासाइट में दो दो टाइप थे पहला था ऑब्लीगेट दूसरा था फैकल्टेटिव उसी तरह सेप्रोफाइट में भी दो थे ऑब्लीगेट सेप्रोफाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट वहीं हम बात करें सिम्बियोटिक फनजा की सम फंगस फॉर्म ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द ग्रीन एल्गी ओर और ब्लू ग्रीन एल्गी इज कॉल्ड लाइकेन तो कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ जुड़े होते हैं और फार्मेशन करते हैं लाइकेन का और हम सभी जानते हैं कि जो लाइकेन होते हैं सिम्बियोटिक का एक बेस्ट एग्जाम्पल है और लाइकेन में फंगस और एल्गी दोनों पाए जाते हैं द एल्गल कंपोनेंट इज़ फोटो सिंथेटिक एंड द फंगल इज़ रिप्रोडक्टिव तो जो लाइकेन होते हैं तो लाइकेन में जो एलगल कंपोनेंट होता है वो फोटो का, का काम करता है और फूड का फॉर्मेशन करके फंजाई को देता है और जो फंगस होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और यह एल्गी को सेल्टर और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये सभी प्रोवाइड कराता है वहीं हम बात करें फंजाई के दूसरे सिम्बियोटिक एग्जाम्पल की तो दूसरा सिम्बियोटिक एग्जाम्पल है माइकोराइज़ा फंगल फॉर्म ग्रो इन एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड माइकोराइज़ा तो जब फंगस के जो हाइफी होते हैं जब हायर प्लांट के रूट से जुड़े होते हैं तो ऐसे एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइज़ा और माइकोराइज़ा दो तरह के होते हैं इक्टोमार्फिक माइकोराइजा और इंडोमार्फिक माइकोराइज़ा तो इक्टोमार्फिक इंडोमार्फिक माइकोराइज़ा क्या होते हैं या फिर आपको माइकोराइजा के बारे में डिटेल से जानना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो मैं ज़रूर इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि फ़नजाई से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं उन सभी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी टॉपिक के वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत